Hello guys, and welcome to Aficionado's Den, where we stay in class. Guys, आज बहुत ही प्यारी और मेरे दिल के बहुत ही करीब है एक विस्की, मैं वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बाउमोर 12 years. Somehow दो मुझे सारी विस्कीज़ बहुत पसंद हैं, बट आइला विस्कीज़ जो होती हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. आई गॉट अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आइला विस्कीज़ बिकॉज उसका जो वो स्मोक और पीटीनेस होता है वो एक दिल को छू जाने वाली कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, तो इस वजह से मुझे आइला विस्कीज़ बहुत पसंद है. सेकेंडली, बॉमोर इज़ दी ओल्डेस्ट आइला विस्की डिस्टिलरी. तो चलिए करते हैं आज इसका रिव्यू और देखते हैं कि वॉट बॉमोर हैज़ टू ऑफर. Before I go ahead and unbox this whiskey, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं. Bowmore Distillery is owned by Morrison Bowmore Distillers Limited, and ये established हुई थी in the year 1779. बहुत साल पहले ये established हुई थी, and that is why they pride on having a lot of time to perfect the whiskey that they have produced. तो चलिए करते हैं इसको unbox. ये है एक लिमिटेड एडिशन बॉक्स जो मुझे मिला था. दिस हैज़ ऑफ कोर्स द विस्की इन इट, बट ये एक दो ग्लासेस के साथ भी आता है. एंड अगर आपको याद हो, ये वाली विस्की मैंने यूज़ करी थी अपनी वीडियो में रीडिंग द स्कॉच विस्की लेबल. मैं उसका लिंक डाल दूंगा आई बटन में, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन हाउ टू रीड द लेबल ऑफ स्कॉच विस्की. सेकेंडली, मैंने ये तो बता दिया कि ये अभी कौन ओन करता है, बट उसकी पेरेंट कंपनी है बीम सेंटोरी, विच इज़ ऑफकोर्स दी सिस्टर कंसर्न ऑफ सेंटोरी, विच इज़ अ जैपनीज कंपनी विच ऑल्सो ओन्स जिम बीम. बट ये ऐसी हमेशा नहीं थी. मॉरिसन बॉमोर डिस्टिलर्स लिमिटेड के पास ये बहुत बाद में आई है. इनफैक्ट इसके बाद इसको बीम सेंटोरी ने टेक ओवर कर लिया था इन द ईयर 1994. बट क्या आपको ये पता है कि ये एस्टैब्लिश जब हुई थी इन द ईयर 1779, इसको जेम्स पी सिम्सन ने एस्टैब्लिश किया था. एंड उसके बाद आफ्टर टू मैनी चेंज ऑफ हैंड्स वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये डिस्टिलरी हॉल्ट कर दिया था इन्होंने अपना प्रोडक्शन लाइन, एंड दे वर होस्टिंग RAF, रॉयल एयरफोर्स एट्सेट्रा. तो ऑफकोर्स ये सारी हिस्ट्री है, बट मॉरिसन बॉमोर डिस्टिलर्स लिमिटेड के पास ये बिल्कुल एंड में आई थी, जिसके बाद बीम सेंटोरी ने इसको टेक ओवर कर लिया था. एंड उस दौरान फ्रॉम जेम्स पी सिम्सन टू मॉरिसन बॉमोर डिस्टिलर्स लिमिटेड बहुत सारे चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं. चलिए लेट्स टेक आउट द बॉटल एंड पोर अ बिट ऑफ विस्की सो दैट ये थोड़ी विस्की खुल जाए. चलिए, एक बहुत ही फेमस कोट है कि नेवर डिले किसिंग अ ब्यूटिफुल लेडी एंड नेवर डिले ओपनिंग अ बॉटल ऑफ नाइस विस्की. तो वही हुआ है यहाँ पे. ये बॉटल मैंने खोल दी थी क्योंकि मेरा मन कर रहा था. ऑफकोर्स जब मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ. तो चलिए इसको पोर करते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर. विस्की फायरवर्क्स. दैट्स बॉमोर फॉर यू गाइस, बॉमोर 12 इयर्स. तो जब तक ये विस्की थोड़ी सी खुलती है, मैं आपको बता दूं कि आइला एक बहुत ही छोटा सा रीजन है स्कॉटलैंड में, जिसमें करीब 8 या 9 डिस्टिलरीज हैं, जिसमें से ये सबसे ओल्डेस्ट डिस्टिलरी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरीज. एंड बॉमोर सोर्सेज दे बारले टू मेक विस्की फ्रॉम द लोकल आइला फार्मर्स. अनफॉर्चुनेटली उतना बारले पूरा नहीं होता, तो उनकी सेकेंड चॉइस होती है मेनलैंड स्कॉटलैंड से इम्पोर्ट करना. अदरवाइज इनका मेन प्रायोरिटी यही होती है कि सारी की सारी बारले जो है वो लोकल आइला फार्मर्स से सोर्स करें. हैविंग सेड दैट, आपको इसके बारे में एक फन फैक्ट बताता हूँ कि बॉमोर दो बहुत ही पुरानी है, मगर इसका नाम किसी को नहीं पता कि बॉमोर कैसे पड़ा. और एक बॉमोर की बॉटल ऑक्शन में 29,400 पाउंड्स की बिकी थी.
इट वॉज अ रेकर्ड इन इट्सेल्फ. इन्होंने एक अपना वेयरहाउस जो है उसको कन्वर्ट कर दिया था कम्युनिटी स्विमिंग पूल में. और बिकॉज स्कॉटलैंड में ऑफकोर्स ठंड भी होती है और मौसम उसका काफ़ी इतना अच्छा नहीं होता, तो इनकी प्रोडक्शन लाइन में से जितनी भी वेस्ट हीट होती है दैट इज़ यूज्ड टू हीट द स्विमिंग पूल. सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट बाउमोर. इतनी देर मुझे लग रहा है कि ये विस्की खुल चुकी है. चलिए, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी गुड विस्की. आई एम टेलिंग दिस बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस आफ्टर हैविंग दिस, बट येस मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस अभी शेयर करूँगा. चलिए, तो अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो एक गोल्डन कलर है, डार्क गोल्डन कलर. इट इज़ बिकॉज इसमें कलरिंग एजेंट मौजूद है. वाओ, ब्यूटिफुल. नोजिंग दिस विस्की टेक्स यू टू स्कॉटलैंड. आप नहीं भी गए होंगे तो भी अगर आप उसकी वीडियोस देखेंगे स्कॉटलैंड की, तो यू कैन इमेजिन रोमिंग अराउंड इन द आइला रीजन ऑफ स्कॉटलैंड. ये इतनी प्यारी अरोमा है इसका. यू गेट दैट अरोमा ऑफ पीट इन इट, दैट स्मोक इन इट. प्लस जब वो हटता है तो उसके अंदर से एक हनी का अरोमा आ रहा है, एक सिट्रसी अरोमा आ रहा है, ऑरेंज जेस्ट का, लेमनी, बहुत अच्छा अरोमा है, फ्रूटी फ्लोरल अरोमा आ रहा है इसमें. काफ़ी अच्छा अरोमा है इसका. पहले उसमें आपको पीट ही मिलेगा. पीट इज़ दी ओवरपावरिंग अरोमा ऑफ दिस विस्की. हाउएवर उसके बाद जब थोड़ा सा पीट हटना शुरू होता है तो यू गेट इन टू दोज अदर अरोमाज ऑफ ऑरेंज जेस्ट एंड लेमन एंड हनी. हनी के बहुत अच्छे अरोमाज हैं, वनीला का अरोमा है इसमें. That's pretty much it about the nosing. Let's get on to the tasting. Let's see कि पैलेट पे क्या कमाल दिखाती है इसकी. I must say, एक बहुत अरसे के बाद मैंने एक आइला विस्की पी है. And trust me, जो मेरा प्यार था आइला विस्कीज के लिए, वो हर बार जब मैं एक आइला विस्की पीता हूँ मेरा प्यार बढ़ता ही है उन विस्कीज के लिए, मेरा प्यार कम नहीं होता. चलिए, लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट में तो पीट, स्मोक, वो सब बहुत बढ़िया फ्लेवर आया है. फ्रूटी नोट्स आए हैं हल्के से, फ्लोरल नोट्स हैं इसमें, एक जेस्टी लेमनी काइंड ऑफ फ्लेवर है, हनीड फ्लेवर है, वनीला का फ्लेवर है, और एक अच्छी सी हल्की सी सैलिनिटी है. सैलिनिटी तब आती है जब वेयर हाउस जो है वो सी के पास होता है, तो वो जो सी ब्रीज होती है वो वेयर हाउस में आती हैं और वो कास्क पे लगती हैं और उससे वो सैलिनिटी आती है एक विस्की में. तो वो सैलिनिटी है, डेफिनेटली है, क्योंकि आइला रीजन एक बहुत ही छोटा सा रीजन है सराउंडेड बाय द सी, तो डेफिनेटली वो सैलिनिटी है इसमें विच आई कैन सी. तो चलिए, लेट्स गेट ऑन टू सेकंड टेस्ट एंड लेट्स सी कि क्या मैस किया मैंने. स्वीट है बट डेफिनेटली वो सैलिनिटी हल्की सी है. बहुत ही राउंडेड सी विस्की है, बहुत ही वेल अमेलगमेटेड सी विस्की है, और मोर ऑर लेस वही फ्लेवर्स हैं जो मुझे फर्स्ट टेस्ट में आए थे. सेकेंडली, इसकी माउथ फील जो है ये बहुत ही अच्छी माउथ फील है, मीडियम से थोड़ी ऊपर ही है. मैं ये नहीं बोलूँगा फुल बॉडीड है, बट अच्छी माउथ फील है इसमें. एंड अगर मैं फिनिश की बात करूं तो मेरे पैलेट पे अभी भी वो पीट और स्मोक और हल्की सी हनी और जेस्टी लेमन का फ्लेवर अभी भी है, विद दैट अ बिट ऑफ सी स्प्रे
काइंड ऑफ सैलिनिटी वो अभी भी है पैलेट पे, अभी इतनी देर हो गई है मुझे बात करते हुए, बट वो स्टिल अभी भी अरोमा चल रहा है मेरे पैलेट पे, तो क्वाइट अ गुड फिनिश आई वुड से। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड लेट्स सी कि व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर। दैट्स अ डैश ऑफ वाटर इन इट। इससे पहले कि मैं कंपैरेटिव टेस्टिंग पे जाऊं, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बहुत ही राउंडेड और स्मूथ विस्की है, बिल्कुल भी अल्कोहल का बर्न नहीं है, बहुत अच्छी स्मूथली ये अंदर गले के उतरी है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी स्मूथ विस्की आई वुड से। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग एंड लेट्स सी कि कंपैरेटिव टेस्टिंग आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर में क्या कमाल दिखाती है विस्की। पीट थोड़ा और खुल गया है, एक वो सी स्प्रे का जो मेरे को पहले नोजिंग में नहीं आ रहा था वो अब आ रहा है, सैलिनिटी टाइप, एक ऑयली नोट आ रहा है मुझे, आयोडीन का नोट आ रहा है मुझे, एक आयोडीनी केमिकली केमिकल नोट जो होता है वो आ रहा है मुझे, हनी फ्लोरल अरोमास, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा फ्लोरल अरोमा आना शुरू हो गया अब, फ्रूटीनेस, दैट वनीला इन इट, वनीला तो बहुत प्रॉम्प्टली अब निखर के आया है, ऑरेंजी लेमन सिट्रस नोट्स बहुत अच्छे खुल के आए हैं आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग, लेट्स सी कि क्या कमाल है। आई वुड से सारे फ्लेवर्स जो हैं वो ऑल ज़्यादा अमेलगमेट हुए हैं, सारे फ्लेवर्स वही हैं जो मुझे उसमें आए थे, बट एक बहुत अच्छा सा एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करके फ्लेवर्स आ रहे हैं जो कि उसमें अलग अलग हल्के से दिख रहे थे, वो अब सारे के सारे एक अमेलगमेट होके एक कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को फ्लेवर्स आ रहे हैं, सब कुछ एनहेंस सा हो गया है आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर। लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्टिंग। पीट, स्मोक, वनीला, हनी, ऑरेंज, सिट्रस, फ्लोरल अरोमास, फ्रूटी अरोमास, वो सारे एक 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 साथ हो गए हैं, एक वो सैलिनिटी जो है वो भी साथ आ गई है, स्वीटनेस जो है, मतलब बहुत ही राउंडेड सी हो गई है ये विस्की आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर। तो अगर मैं एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ इस विस्की के लिए, तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 9 एंड ऑन दी टेस्ट आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9.5। तो इस विस्की का एफिशनाडोज नंबर होता है 9.25। सो गाइज प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड एज वी से इन एफिशनाडोज 10, स्टे क्लासी एंड चीयर्स।